हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सुमित्रानंद पंत के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको मैं ऐसी टिप बताऊंगा जिससे आप सुमित्रानंद पंत की एक बार में ही यार पूरा रचना याद कर सकते हो। जैसे आप कोई कविता याद करते हो, आपको मैं वैसे ही ट्रिक बनाया हूँ, आपको मैं वैसे ही ट्रिक दूंगा जिससे आपको याद हो जाए दोस्तों, पूरी रचना एक बार में ही याद होगी दोस्तों। मैं आपको ये ट्रिक लिख ले रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो अपने नोट्स में लिख लेना। दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं गा कर सुनाऊँगा आपको कैसे याद करना है ये भी बताऊँगा, कैसे याद करना है ये भी बताऊँगा, सब बताऊँगा दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी सिंपल मैं ट्रिक बताया हूँ आपको, मैं गा कर सुनाऊँगा जिससे आपको आसानी हो याद करने में। पहले मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ पूरी इनकी रचना जो मैं कविता बनाया हूँ। तो दोस्तों, ये मैं लिख लेता हूँ, वीडियो फास्ट कर देता हूँ। इनकी पूरी रचना यार लिख चुका हूँ यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊँगा कि यार आपको कैसे याद करना है, आप पूरा एक बार में याद कर सकते हो दोस्तों। ये मैं काफ़ी सिंपल ट्रिक है, आपको ऐसी ट्रिक कहीं पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यार वीडियो देखना, गौर से देखना, तभी आप याद कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको गाकर सुनाता हूँ कैसे आपको याद करना है। पहले आप गाइएगा, देखिए मैं कैसे गाता हूँ आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, गा के बताता हूँ। अतिमा उन्तरा रिता पंत किए हैं भेंट, युगांत युग पथ युगवाणी रश्मि बंध अनेक, ग्रंथि ग्राम्या चितंबरा पल्लव का विस्तार, लोकायतन वीणा की गुंजन शिल्पी बने हजार, कला और बूढ़ा चांद पल्लवनी को देख, स्वर्ण किरण के स्वर्ण धूल में हार गए हैं ले। देखिए दोस्तों, आपको वैसे ही गाकर आपको याद करना है, मेरा राग नहीं बैठ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं जिससे आपको आसानी हो यार सर्च करने में, काफ़ी लोगों को सर्च करने में पता नहीं होता। मैं पूरा संग्रह करके मैं इनकी रचना बनाया हूँ, ये शिल्पी, इसमें कला बूढ़ा चांद पल्लवनी स्वर्ण किरण की धूल धूल और ये जितनी रचना है ये सब ये सुमित्रानंद पंत की रचना है जो हर साल बोर्ड में इनकी रचनाएं पूछी जाती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक बात और मैं बताता हूँ, ये जो चिदंबरा है, चिदंबरा इसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 10 बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों। इस पे तो इनको मिला है, चिदंबरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन इनको 10 बार यार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, आप इन्हें ज़रूर इनकी रचनाओं को याद कर लीजिए क्योंकि ये हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू ट्रिक लाता रहूँगा हिंदी का और काफ़ी सारे सब्जेक्ट का लाता रहूँगा। यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।